हम स्कूल स्टूडेंट से बात नहीं कर रहे तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं एक एक का नाम लेके बात करूं। आप लोग मेच्योर इंडिविजुअल्स हो, फोर्थ ईयर में हो अपनी ग्रेजुएशन के, अपनी लाइफ का भला बुरा आप जानते हो, तो बात करने में घबराहट तो नहीं होनी चाहिए, आप बात कर सकते हो। आप बताना चाहेंगे कुछ रोशनी? यस सर, सो आई कैन मोटिवेट माय सेल्फ इन मेनी ओके सिचुएशंस ओके एंड वेरी देन गुड आई कैन बी अ गुड प्लानर आल्सो। ओके दैट्स वेरी गुड। या आई एम स्ट्रांग इन मेनी वेज लाइक रिगार्डिंग माय वर्क। ओके विच मीन्स यू हैव टू क्वालिटीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड यू कैन बिल्ड ऑन द अदर क्वालिटीज एज वेल। दीज आर वेरी जनरल क्वालिटीज, ये आपको जॉब में भी हेल्प करेंगी और ये आपको बिजनेस में भी हेल्प करेंगी अगर आप सोचते हो कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। सो ये कुछ अच्छी क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर की तो होती ही है, बट अगर आपको जॉब भी करना है तो ये क्वालिटीज आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू रोशनी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। आई विल बी हैप्पी इफ 3 स्टूडेंट्स कम फॉरवर्ड। रोशनी ने अपना पॉइंट बताया, 2 और स्टूडेंट्स प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट आर द क्वालिटीज यू बिलीव यू हैव। हाँ सर, पूर्वा यह। हाय पूर्वा, गुड मॉर्निंग। या सर, आई हैव आई एम अ गुड प्लानर एंड ओके नेक्स्ट इज आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट थिंग्स दैट आई यूजुअली डोंट लूज होप्स लाइक इवन इफ आई हैव फेलियर कंसेक्यूटिवली। That is a very good quality, being optimistic, because life gives us so many challenges and yes. Most of the times we want to give up, that the future is bad, but being optimistic means that you look at the positive side of life. Okay, very good. Yeah. Thank you, Purva. Yeah, carry on. Aap kuch aur bata rahe the. Yeah, and the third is I'm a good decision maker. गुड डिसीजन मेकर, ओके, विच मीन्स आपको अगर लाइफ में डिसीजन पॉइंट पे आप आते हो तो आप डिसीजन ले पाते हो विद ऑल द अनसर्टेनिटी। ओके बिकॉज़ बहुत सारे ओकेजन ऐसे होते हैं जहां पे आपको आउटकम नहीं पता होता डिसीजन का, बट डिसीजन लेना पड़ता है तो आप ले पाते हो डिसीजन। ओके दैट्स वेरी गुड क्वालिटी, थैंक यू। थर्ड स्टूडेंट इफ यू कैन कम फॉरवर्ड एंड शेयर। सर फेसिंग अनसर्टेनिटी। सर शुभम हियर। हाय शुभम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आई विल से माय क्वालिटीज फेसिंग अनसर्टेनिटी, आई एम अ रिस्क बेयरर एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। ओके फेसिंग अनसर्टेनिटी, रिस्क बेयरर एंड ऑप्टिमिस्टिक, वेरी वेरी गुड क्वालिटीज शुभम, बिकॉज़ ये क्वालिटीज आपको लाइफ में काम आएंगी। अगर आप पूरे 40 साल जॉब करोगे तब भी काम आएंगी आपको शुभम। आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ फायदे होते हैं और नुकसान होते हैं? क्या आपको लगता है जॉब में भी कुछ ऐसा ही होता होगा, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज? लगता है आपको? सर एंटरप्रेन्योर होने में ना ज्यादा टाइम लगेगा मेरा, मुझे देने में। अगर मैं एम्प्लॉय रहा तो मुझे वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा मेरा अच्छे से, अगर एंटरप्रेन्योर बना मैं तो उतना वो अच्छे से नहीं रहेगा वर्क लाइफ बैलेंस। ओके हर एक का अपना मानना होता है और आप बिल्कुल सही हैं अपनी अप्रोच में, और ये हर एक का अपना मानना होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो जॉब में भी फैमिली को टाइम नहीं देते और बहुत लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं तब भी फैमिली को पूरा टाइम देते हैं, तो ये सब्जेक्टिव है शुभम, और हर एक का अपना मानना बिल्कुल सही है। तो आप जो सोचते हो वो बिल्कुल सही है आपके लिए, और कोई इंसान दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता है वो भी सही है। एंटरप्रेन्योर के जो चैलेंज आते हैं उसमें आता है, उनको अपना सैलरीज मैनेज करनी पड़ती है, एम्प्लॉय को हायर करना पड़ता है, टाइम कैसे मैनेज करें, टास्क डेलीगेट करना पड़ता है, मार्केटिंग और सेल्स के बारे में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, बिजनेस ग्रोथ के बारे में होता है, टैलेंट को रिटेन करना होता है, कई बार क्राइसिस आ जाता है जैसे पैंडेमिक, बहुत बार सेल्फ डाउट आता है कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, मुझे जॉब करनी चाहिए, कई बार कैपिटल का पैसे का भी चैलेंज आता है। फायदे क्या होते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप अपनी मर्जी से काम करते हो, आपकी जो लाइफ में बड़े गोल्स या ड्रीम्स हैं वो आप अचीव करने की कोशिश करते हो,
आप अपने आप में विश्वास करते हो, आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीते हो, लोगों की मर्जी से नहीं। आप अपने काम का इम्पैक्ट देख पाते हो। बहुत लोग होते हैं जो जॉब करते हैं बट जॉब को एंजॉय नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें जॉब से सिर्फ 30 तारीख को मजा आता है जब पैसे मिलते हैं, अदरवाइज हमें इस काम में मन नहीं लगता। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मन लगता है। हम ये आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में आपको फ्रीडम मिलती है कि आपको जो काम करना है आप उसको बिजनेस बना सकते हो। पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत होती है। चैरिटी करना है, देश के लिए कुछ काम करना है, अगर आपको कुछ बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करना है तो आप ऑन्टरप्रेन्योर बन के जितने लोग हमने फोटो देखी थी आप बड़ा काम भी कर सकते हो देश के लिए, अगर आपका मन है। जॉब हमारी उम्र के साथ, हेल्थ के साथ चली जाती है। बिजनेस इज नॉट अ पर्सन डिपेंडेंट बिजनेस। इंसान के जाने के बाद भी बिजनेस कंटिन्यू रहता है। टाटा ग्रुप का बिजनेस रतन टाटा ने नहीं शुरू करा था। टाटा ग्रुप का बिजनेस शुरू हुआ था जमशेद जी टाटा ने 1870 के आसपास। टाटा ग्रुप को बने हुए 150 साल के करीब हो गए। रतन टाटा जी टाटा बिजनेस में आए थे आज से करीबन 40-50 साल पहले। तो वो फाउंडर नहीं है, वो फैमिली मेंबर है। बिजनेस का ये फायदा होता है कि आपके ना रहने के बाद भी आपकी फैमिली की इनकम आती रहती है। मार्क जकरबर्ग, मिस्टर मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क अगर डेली ऑफिस नहीं भी जाएं उनकी कंपनी चलती रहती है। द पॉइंट इज, आपने बिल्कुल सही बोला, स्टार्ट करने में मुश्किल होती है। जॉब स्टार्ट करनी आसान है, बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल है। बट मुश्किल तो बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है। अब आपके लिए क्रिकेट खेलना मुश्किल है क्योंकि आपने क्रिकेट कभी खेला नहीं। किसी के लिए स्विमिंग करना मुश्किल है, किसी के लिए जर्मन भाषा बोलना मुश्किल है, किसी के लिए पब्लिक स्पीकिंग मुश्किल है, किसी के लिए अंग्रेजी में बोलना मुश्किल है। सो मुश्किल वही होता है जो आपने कभी ट्राई नहीं करा या आपने मान लिया मेरे से नहीं हो पाएगा। कईयों के लिए बाइक चलाना, कार चलाना मुश्किल है, कईयों के लिए आसान है। तो आसान या मुश्किल कुछ होता नहीं है, ये आपके मन का बिलीफ सिस्टम होता है। आपने सोच लिया है मेरे से नहीं होगा तो वो मुश्किल है। अगर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो हर चीज मुश्किल जो होती है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आसान हो जाती है। तो लाइफ में कोई भी चीज मुश्किल या आसान आपके थॉट प्रोसेस से होती है, एक्चुअली नहीं होती मुश्किल। क्योंकि अगर वो मुश्किल होती तो सबके लिए मुश्किल होती। तो समथिंग विच इज डिफिकल्ट और समथिंग विच इज ईजी इज योर थॉट प्रोसेस, योर एफर्ट एंड हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस्ड इन दैट। वी विल टॉक अबाउट समथिंग विच इज अबाउट मोटिवेशन ना। बहुत लोग मोटिवेट होते हैं अंदर से, उनका मन करता है कुछ करने का, उनपे टेक्निकल नॉलेज होती है, उनको एक्सपीरियंस होता है, उनको एजुकेशन होती है। और बहुत लोग डिपेंड करते हैं डिमांड पे, पेरेंट्स के एनकरेजमेंट पे, गवर्नमेंट के सपोर्ट पे और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे मोटिवेटेड हो। इस पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे विच इज आइसबर्ग इल्यूजन। आप लोगों ने कभी आइसबर्ग देखा है कोई मूवी में या कोई डॉक्यूमेंट्री में, टेलीविजन पे आइसबर्ग देखा है क्या? ऐसा आपके हिसाब से आइसबर्ग पानी के ऊपर कितना परसेंटेज होता है और नीचे कितना परसेंटेज होता है? कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं मैं, अंदाजे से आप बता दो। सर 30% ऊपर रहता है शायद। हाँ, ये आपने बिल्कुल अंदाजे के पास बताया। 25-30% हमें दिखता है और जो उसका 65-70% होता है दैट इज बिलो द वॉटर। ये आइसबर्ग इल्यूजन हमें ये बताता है कि सक्सेस भी ऐसे ही होता है। लोगों को आप तभी दिखेंगे जब आप सक्सेसफुल हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब आप मेहनत कर रहे हैं, जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जब आप कुछ भी काम करने की तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम पे लोग आप पे ध्यान नहीं देंगे, लोग आपको तारीफ नहीं करेंगे आपकी, लोग आपको ज्यादा वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा, स्ट्रगल दिखता नहीं है ज्यादातर। आप डेडिकेटेड हैं अपने गोल के लिए, आप डेली कुछ मेहनत करते हैं, आपकी कुछ अच्छी हैबिट्स हैं। आप डिसअपॉइंट होते हैं कि मैंने सब कुछ करा फिर भी मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। आप सैक्रिफाइस करते हैं,
कुछ चीज पाने के लिए कुछ चीज छोड़ना पड़ता है। आप अटेम्प्ट करते हैं बट आप फेल होते हैं, तो आप सीखते हैं हाँ मैं इसमें ये चीज इम्प्रूव कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम, एंड यू ऑल्सो आर परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब कॉन्टिन्यूअस मेहनत करना टू अचीव योर गोल, किसी भी गोल के पीछे लगे रहना अचीव करने के लिए, क्योंकि जो बड़ा गोल या बड़ी अचीवमेंट होती है वो जल्दी अचीव नहीं होता। आप में से कोई बताना चाहेगा अपना सक्सेस या फेलियर स्टोरी, कोई चीज करते हुए आप फेल हुए हैं, कुछ सैक्रिफाइस करा अपने लाइफ में, कभी डिसअपॉइंट हुए हैं, आप अपनी गुड हैबिट्स के बारे में बता सकते हैं, आप अपने गोल के बारे में बता सकते हो, आप किस चीज पे डेली हार्डवर्क करते हो, आप अपने फेलियर के बारे में बता सकते हो, परसिस्टेंस के बारे में। तो दो स्टूडेंट्स बताना चाहेंगे अबाउट व्हाट पीपल डोंट सी, आप क्या कर रहे हो जो लोगों को नहीं दिख रहा आजकल, आप प्लीज दो स्टूडेंट्स उसके बारे में बताइए। सर मेडिटेशन। सर आपका नाम क्या है? शुभम। ओके शुभम, हाँ जी शुभम बताइए क्या बता रहे हैं, आपका डेडिकेशन में बता रहे हैं, हार्ड वर्क, गुड हैबिट, गुड हैबिट बता रहे हो आप? यस सर गुड हैबिट। ओके सो आपका कोई ऐसा गोल है जो आप अचीव करना चाह रहे हो दोस्त लाइफ में, पर्सनल गोल भी हो सकता है, प्रोफेशनल गोल भी हो सकता है? हाँ सर अभी मेडिटेशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फोकस रहना है लाइफ में, मैं बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। ओके चीजों इसलिए मैं मेडिटेशन ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैं फोकस्ड रहूँ। ओके दैट इज अ गुड हैबिट जो आप डेवलप कर रहे हो। मेडिटेशन करना आसान है बट मेडिटेशन की हैबिट में आना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप कुछ रोज रोज नहीं होता वो, और आप अगर 5 मिनट भी करोगे तो बहुत टाइम होता है, बट 5 मिनट भी डेली करना पॉसिबल नहीं होता मैक्सिमम लोगों के लिए। तो आपको कुछ ऐसा सोशल सर्कल बनाना चाहिए, मे बी अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम पे मुझे 5 मिनट के लिए कोशिश करना है मेडिटेशन करने का, तो आपकी ये प्रैक्टिस गुड हैबिट में डेवलप हो जाएगी। थैंक यू शुभम, कोई और बताना चाहेंगे? सर पूर्वा। यस गुड मॉर्निंग पूर्वा, क्या बताना चाहोगे आप? सर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माय परसिस्टेंस, लाइक इन माय इंटर ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स आई फेल्ड इन अबाउट फर्स्ट कंपनी आई फेल्ड इन एप्टीट्यूड, देन सेकंड कंपनी केम आई फेल्ड इन टेक्निकल इंटरव्यू, अगेन थर्ड कंपनी केम एंड आई देन आई क्लियर्ड ऑल राउंड, सो आई थिंक that is one of my good thing about persistence and staying optimistic about things. So persistence is staying optimistic, not giving up, not thinking negative about yourself, keeping up the hard work on a regular basis. So very good. Yes. This is the life of a normal human being, this is the life of an entrepreneur. Jab tak Mark Zuckerberg famous nahi the usko koi nahi janta tha, jab tak Elon Musk अपना टेस्ला को फेमस नहीं कर पाए थे, इलॉन मस्क को ज्यादा कोई वैल्यू नहीं देता था, इलॉन मस्क की कंपनी को नासा भी बोलते थे कि आप हमसे कम्पीट नहीं कर सकते, आपकी कंपनी और आपका काम बेकार है। सुनील भारती मित्तल भी जब तक एयरटेल को बड़ा कंपनी नहीं कर पाए थे उनको कोई नहीं जानता था। सेम गोज फॉर स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, लोग फेमस होते हैं तो सब उनकी तारीफ करते हैं, बट फेमस होने का या सक्सेसफुल होने का या अमीर होने का या अपने गोल अचीव करने का रास्ता 70% होता है, सक्सेस 30% होता है। अगर आपको ये समझ आ गया कि आपका जो भी गोल है लाइफ में, आपको कुछ भी करना है,
आपको 70-80% टाइम प्रोसेस में बिताना पड़ेगा जो लोग नहीं देख पाएंगे। वो आपकी अकेले की जर्नी होगी, फुल ऑफ डेडिकेशन, हार्डवर्क, गुड हैबिट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, सैक्रिफाइस, फेलियर्स एंड परसिस्टेंस। जब आप कुछ अचीव कर लेंगे, लोग आपकी तारीफ तभी करेंगे। जब आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे। सो सक्सेस इज ऑल्सो एन आइसबर्ग। अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी डोमेन ऑफ लाइफ में, किसी भी डोमेन ऑफ प्रोफेशन में, आपको ये समझ आना चाहिए कि मुझे 80% या 70% चुपचाप काम करना है। अगर मैं वो करूंगा, प्रोसेस को चीटिंग नहीं दूंगा, तो मेरा सक्सेस अच्छा होगा। अगर आप प्रोसेस को चीटिंग करके सक्सेसफुल बनोगे, आपका सक्सेस बहुत छोटा होगा। मर्जी आपकी है, आपको बड़ा सक्सेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए या शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए। तो ये डायग्राम हमें ये सिखाता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी ऐसे होती है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको आपकी गोल्स क्लियर हो जाएंगे कि कुछ भी चीज अचीव करने के लिए 70% एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, 10% एफर्ट से तो नहीं होने वाला। इज दिस आइसबर्ग इल्यूजन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आपको क्लियर है? Yes, sir. आप बता सकते हो ये, क्योंकि ये एक लाइफ का पार्ट है। स्टार्टअप हम क्यों करते हैं? अमीर होने के लिए नहीं करते, वेकेशन के लिए नहीं करते, फेमस होने के लिए नहीं करते। स्टार्टअप हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं और हम अपने आइडिया को इम्प्रूव करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टार्टअप क्या होता है? एक कंपनी होती है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, जहाँ पे सोल्यूशन उनको भी मिला नहीं है और सक्सेस गारंटी नहीं हुआ। जब सोल्यूशन मिल जाता है और सक्सेस गारंटी हो जाता है, उस कंपनी को स्टार्टअप नहीं बोलते, उसको हम कंपनी बोलते हैं। टाटा मोटर्स स्टार्टअप नहीं है, टाटा मोटर्स एक कंपनी है। कंपनी को पता है क्या बनाना है, कंपनी को पता है क्या बेचना है। सो कंपनी और स्टार्टअप में ये फर्क होता है। Let's talk about the last point of our discussion, which is very important. आप लोगों ने एक किताब पढ़ी है क्या, रिच डैड पुअर डैड, या उसके बारे में कभी सुना है? सुना है सर। ओके, ये एक अच्छी बुक है, आप इसका PDF वर्जन ले सकते हो या कभी आपके लाइब्रेरी में या कहीं किसी बुकशॉप में मिले, छोटी सी किताब है, आप पढ़ सकते हो, अच्छी नॉलेज देगी आपको लाइफ में। क्या आप सबको लगता है, आप सब लोग क्या लाइफ में पैसा कमाएंगे कभी? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, 20-21 लोग, क्या आपको लगता है आप पैसा कमाएंगे कभी लाइफ में? यस सर। ओके, एक स्टूडेंट ने बोला यस। क्या पैसा कमाना जरूरी है? Yes, sir, for survival, of course. अच्छा, आपको लगता है आप कमाओगे और आपको लगता है जरूरी भी है। बाकी स्टूडेंट्स को क्या लगता है? अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को लगता है ओके, ये सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, ठीक है। सो पैसे कमाने के चार तरीके होते हैं। ये बुक्स समरी से हमें ये पता चलता है कि आप एक्टिवली पैसा कमा सकते हो या पैसिव तरीके से पैसा कमा सकते हो। एक्टिव का मतलब है आपको काम करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, पैसिव का मतलब है पैसा आपके लिए काम करेगा। 90% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर अर्निंग मनी इन एन एक्टिव वे, 10% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर अर्निंग मनी इन अ पैसिव वे। हाउएवर 10% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड have 80-90% of wealth. 10% of लोग हैं दुनिया में जो सबसे ज्यादा अमीर हैं, वो पैसिव हैं। 80-90% of लोग हैं जो डेली स्ट्रगल करते हैं पैसा कमाने के लिए, सैलरी की वेट करते हैं घर चलाने के लिए, और वो एक्टिव हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, मर्जी आपकी है। चार तरीके हैं पैसा कमाने के लाइफ में। एक्टिव करना है आपकी मर्जी है, पैसिव करना है आपकी मर्जी।
एक्टिव में दो तरीके होते हैं, आप जॉब कर सकते हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। जॉब का मतलब है कि आपको कहीं पे अपना टाइम कमिट करना पड़ेगा कि मैं मंडे टू सैटरडे 8 से 9 घंटे डेली काम करूंगा और मुझे उसकी सैलरी मिलेगी। अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आप काम अच्छा नहीं करेंगे, अगर आप बीमार हो जाएंगे, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप काम अच्छा करेंगे, आपको सैलरी मिलेगी डेफिनेटली। ये सबसे बेसिक तरीका है स्टार्ट करने का। मेरे 23 साल के करियर में मैंने 17 साल जॉब करी है और मैं बहुत खुश हूँ अपने इस डिसीजन से। 17 साल के बाद पिछले 6.5 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं इस डिसीजन से भी खुश हूँ। तो मैंने दोनों तरफ की लाइफ देखी है, इस बेसिस पे आपसे बात कर रहा हूँ, खाली थ्योरी के बेसिस पे बात नहीं कर रहा। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते, अपने लिए काम करते हैं। दे कैन बी ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट राइटर्स, फोटोग्राफर्स, मे बी डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, फैशन डिजाइनर्स, ब्लॉगर्स, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। मे बी टेलर, बार्बर, ये अपना काम करते हैं। जब तक काम करते हैं, छोटा शॉपकीपर भी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। जब तक काम करते हैं पैसा मिलता है, जब तक काम नहीं करते पैसा नहीं मिलता। सो यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है आपकी एज, आपकी हेल्थ और आपकी क्वालिटी। और क्योंकि आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर आपके काम की क्वालिटी अच्छी है, अगर आप इफ़ यू आर अलाइव यू विल अर्न मनी, इफ़ यू आर नॉट अलाइव, इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, इफ़ योर क्वालिटी डिटीरियोरेट्स, यू विल बी आस्क्ड टू लीव द जॉब। आपको जॉब से निकाल भी सकते हैं। पैसिव में क्या होता है? पैसिव में यू हैव अदर पीपल एंड प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी वर्किंग फॉर यू। अगर आप आईटी का जानते हो तो आपको पता है कि आपको आईटी कंपनी में एम्प्लॉय बनना है या आप आईटी कंपनी भी खोल सकते हो, मर्जी आपकी है। अगर आप आईटी कंपनी में एम्प्लॉय बनोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप आईटी कंपनी खोलोगे कंसल्टेंसी की तो आपको और एम्प्लॉयज भी आप हायर कर सकते हो और आप कंपनी से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आपके ऊपर कंपनी डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि आपने प्रोसेस बना दिया, टेक्नोलॉजी है आपके पास और आपके पास अलग लोग हैं। आप 10 शहरों में, 10 कंट्रीज में, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में भी अपना ऑफिस खोल सकते हो, बट जॉब तो आप एक ही जगह करोगे। आप 2 जगह या 3 जगह जॉब नहीं कर सकते एक ही इकट्ठे। तो जॉब में आपके पैसा कमाने की लिमिट होती है, बिजनेस में लिमिट नहीं होती। आपको जितना मेहनत करना है आप उतना पैसा कमा सकते हैं। द फोर्थ इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनके पास स्पेयर पैसा होता है अपने बिजनेस में, तो वो लगा चुके होते हैं। वो बाकी लोगों के स्टार्टअप्स में, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में, गोल्ड में और इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाते हैं और उनका पैसा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं, वो ग्रो करता है। ये 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपको इन 4 में से कौन से तरीके समझ आए, आप कौन से तरीके को अपनाना चाहोगे? आप 1 को भी अपना सकते हो, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। तो योर व्यू पॉइंट्स प्लीज। और अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। आप लोगों को समझ आ रहा है जो हम बात कर रहे हैं? यस सर। आप लोगों को इन 4 में से क्या चीज समझ में आ गई क्लियरली? 4 समझ में, 4 समझ में आ गए। ओके, वेरी गुड। आप शुभम बोल रहे हो? हाँ सर। ओके, शुभम के अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो साइलेंट हैं, आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा? आ गया सर समझ। ओके, समझ आने के टाइम पे कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहिए क्योंकि जब हमें समझ आता है, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है।
अगर हम क्वेश्चन नहीं पूछते तो हमारे यहाँ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है माइंड में। तो आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा? तो मेरा क्वेश्चन था, इसे रिलेटेड नहीं है एक्टिव पैसिव से, मेरा जनरल क्वेश्चन है कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क? बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही फर्क होता है। कुछ लोग उसको बिजनेस वुमेन बिजनेसमैन बोलते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। बट आप उसको ये समझ सकते हो कि एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करता है, स्केल करता है, ग्रो करता है। बिजनेसमैन जो होता है वो एक दुकान खोल के खुश होता है कि हाँ मुझे दूसरी दुकान, मुझे ग्रो नहीं करना, मेरा घर चल रहा है इतने में, आई एम सेटिस्फाइड। आप ये बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में ये डिफरेंस ये समझ सकते हो कि एंटरप्रेन्योर ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, वो ज्यादा काम करना चाहते हैं। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो खुश होते हैं, जो जिससे घर चल रहा है दे आर हैप्पी। इतना सा फर्क मैं बता सकता हूँ, बाकी अंग्रेजी भाषा का फर्क है। कोई लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, कोई बिजनेस ओनर बोलते हैं, ज्यादा फर्क नहीं। समझ आया दोस्त? हाँ सर। गॉट इट, ग्रेट। कोई और सवाल? सर अभी हमारे कॉलेज लाइफ में अभी हम इसमें से क्या कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव में से? अभी हमारे पास पैसा नहीं, समझो अभी हम कंपनी में लगे, न्यू ज्वाइन हुए, फिर हम तो एम्प्लॉयड हो, तो आपको एक एक सोर्स, आपका एक सोर्स हो गया पैसा आने का। वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है अगले साल आपकी सैलरी कितनी होगी, अंदाजा बताओ कितनी सैलरी मिलेगी एक ग्रेजुएट? सर अभी कंपनी जा रही है 4 to 8 lakhs के बीच में मिल सकती है मुझे ऐसा लगता है। मंथली बताओ, मंथली एनुअल नहीं, कितना पैसा मिलेगा आपको एवरेज? 50,000? 30-40 के आसपास। चलो 40 समझ सकते हैं क्या? हाँ ठीक है। तो 40,000 आपकी मंथली इनकम हो गई, 40,000 एज एन एम्प्लॉई पैसा आ रहा है आपको। तो 40,000 में से क्या आप 1,000-2,000 रुपया म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीने? हाँ सर। तो आपका इन्वेस्टर वाला पोर्टफोलियो भी बनने लग गया। अगर आप हर महीने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में या किसी और यू नो बैंक डिपॉजिट में, रेकरिंग डिपॉजिट में, तो आपका एक साल में कितना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा? 2,000 × 12 कितना हुआ? 24,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करोगे और उस पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से मिलेगा या स्टॉक मार्केट से या इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट से, तो वो 24,000 से आगे बढ़ेगा ना? उससे ज्यादा होगा, बढ़ेगा ना? हाँ। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करो 1,000-2,000 रुपए मंथ के, तो वो जीरो रहेगा ना? हाँ सर। तो एज एन एम्प्लॉई आप इन्वेस्टर तो बन ही सकते हो ना एम्प्लॉई के साथ साथ, समझ आ गया आपको? हाँ सर। विच मीन्स अगर आपकी नौकरी लग गई है तो आप 40,000 रुपया सारा खर्च कर दोगे या उसमें से कुछ इन्वेस्ट करना चाहोगे हर महीने? मर्जी है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे और वो सारा खर्च कर दोगे तो वो जीरो हो जाएगा, अगले महीने फिर कमाना पड़ेगा 40,000 रुपया। बट अगर आप उसमें से 1,000-2,000 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो 24,000 रुपया एक साल का, 5 साल के कितने हो गए दोस्त? 24,000 × 5 कितना होता है? 1,20,000। राइट और रॉन्ग? राइट सर। 1,20,000 अगर आप 2,000-2,000 रुपए, अगर आप 2,000-2,000 रुपए मंथ में इन्वेस्ट करते हो तो आपका 5 साल में कैपिटल हो गया 1,20,000। 1,20,000 के ऊपर मैंने इंटरेस्ट नहीं जोड़ा अभी, हो सकता है स्टॉक मार्केट बढ़ गए, आपका 1,20,000 रुपया 2 लाख भी हो सकता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप वेल्दी होते हो। जो भी लोग अमीर होते हैं लाइफ में वो इन्वेस्ट करते हैं।
इम्प्लॉयज ज्यादा अमीर नहीं हो पाते, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि खाली इम्प्लॉय मत रहना, इम्प्लॉय के साथ इन्वेस्ट करना शुरू कर देना। ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या? इम्प्लॉय के साथ आप सेल्फ इम्प्लॉयड भी बन सकते हो। आपके पास कोई स्किल्स हैं, कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं आपके पास? प्रोग्रामिंग स्किल्स है। और क्या आता है आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स के अलावा? देखो साइलेंट मत रहो, हाँ या ना बोल दो। मुझे तो खाली एक कंप्यूटर दिख रहा है, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं दिख रही। मैं आपसे बात कर रहा हूँ शुभम, अगर आप शुभम हो या जो अभी बोल रहे थे प्रोग्रामिंग स्किल्स, आपका नाम क्या है? शुभम। हाँ तो शुभम जवाब भी दो ना, टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, वन वे तो बोरिंग होता है। प्रोग्रामिंग स्किल्स में कौन सी लैंग्वेज आती है आपको? तो मुझे सी आती है, सी प्लस प्लस आती है, पाइथन आती है। इससे क्या बना सकते हो आप? ये लैंग्वेज कहाँ पे यूज होती है? सर इंडस्ट्री में ही यूज होती है अभी तो, जितना मुझे पता है। इससे होता है एंड्रॉइड, इससे क्या बनता है? सीखा नहीं मैंने सर। सॉफ्टवेयर बनता है, इससे सॉफ्टवेयर बनता है। तो आपके घर में कितने लोग हैं शुभम? तीन लोग हैं। कौन कौन? मम्मी डैड और मैं। ओके तो आपने मम्मी के नाम पे या फादर के नाम पे एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो 3-4 साल में। और उसमें क्या करो आप, कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करो अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है। और जब आपको उस कंपनी से पैसा उतना मिलना लग जाए जितना आपका सैलरी से मिलता है, तो जॉब छोड़ दो, अपनी कंपनी को बढ़ाना शुरू कर दो। ऐसा कर सकते हो क्या? श्योर नहीं हूँ सर जॉब छोड़ना, लेकिन उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं, अगर फ्यूचर में कुछ बना। शोर तो तभी होगे ना जब आप एक कदम बढ़ाओगे। पहले कदम बढ़ाने पे तो कोई भी श्योर नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, बट किसी ने एम तो लिया होगा ना कि मैं क्रिकेट टीम में खेलूंगा। श्योर थोड़ी होता है कि आपका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाएगा, बट क्रिकेट खेलना तो शुरू करना पड़ेगा ना। हाँ सर। आपको श्योर थोड़ी थे कि आपका IIT में एडमिशन हो जाएगा, बट आपने 9th या 10th क्लास में इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी थी ना। तो श्योर तो कोई भी नहीं होता दोस्त, बट मेहनत तो करनी पड़ती है ना। शुभम मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब आपकी जॉब शुरू हो जाएगी, आप जॉब के साथ पार्ट टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो। शुभम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमें स्किल का पैसा मिलता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, आप कोडिंग जानते हो, तो आप नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए वेबसाइट या ऐप डिजाइनिंग का काम कर सकते हो, आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। अगर आपको पैसे मिलने शुरू हो गए तो आपको पता चल जाएगा मुझे कैसे इम्प्रूव करना है, और आपकी कंपनी भी बन जाएगी। जब आपको लगे कि मुझे सैलरी मिल रही है 50,000 और मेरी बिजनेस से आ रहा है 1,00,000 रुपया, तो आप बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। हाँ सर। तो जब सैलरी से ज्यादा पैसा बिजनेस से आने लग जाए, तो जॉब छोड़ देना, बिजनेस को बढ़ा देना। क्योंकि शुभम सैलरी तो बढ़ेगी 50,000, 55,000, 60,000, 65,000, बिजनेस बढ़ सकता है 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 10,00,000, 50,00,000। सैलरी की ग्रोथ और बिजनेस की ग्रोथ आप कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे शुभम। समझ आ रहा है? लेकिन मेहनत भी ज्यादा लगेगी ना उसमें, तो मेहनत करने में कहीं दर्द होता है क्या? नहीं, मेहनत करना बुरी बात है क्या? नहीं सर। मुकेश अंबानी अगर मेहनत कर रहे हैं या बिल गेट्स मेहनत कर रहे हैं,
या कोई इम्प्लॉय भी मेहनत कर रहा है, मेहनत करना जिसको बुरा लगता है उसके लिए तो फिर उसके लिए तो जॉब भी मुश्किल है शुभम, उसको तो सुबह 7 बजे उठ के नहाना भी मुश्किल लगेगा शुभम, क्योंकि 7 बजे उठने में भी बहुत मेहनत है, 9 बजे ऑफिस पहुंचने में भी बहुत मेहनत है, 6 दिन ऑफिस जाने में भी बहुत मेहनत है, और बॉस की बात मानने में भी बहुत मेहनत है शुभम। मेहनत तो सब में है शुभम, आपको कौन सी मेहनत मतलब दोनों मैनेज करना सर, बिजनेस भी और जॉब भी दोनों मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एट सेम टाइम। सर सब कुछ मुश्किल होता है और सब कुछ आसान होता है, आपका इंटेंशन और मन होता है, अगर आपका मन है तो आप करोगे, अगर आपका मन नहीं है तो बहुत सारे एक्सक्यूज है लाइफ में। जिसको लाइफ में आगे बढ़ना होता है शुभम वो एक्सक्यूज कम करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, और हर एक का अलग रीजन होता है लाइफ में आगे बढ़ने का शुभम। कईयों को घर में पेरेंट्स सब कमा के दे रहे होते हैं तो उनको मेहनत करने का मन नहीं होता, मम्मी डैडी कमा रहे हैं हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, डिपेंड करता है शुभम फैमिली टू फैमिली। हर एक को शौक नहीं होता शुभम पैसा कमाने का, और जरूरी भी नहीं है, और हर एक की घर की जरूरतें भी अलग अलग होती है शुभम। बट आपने अपने सर्कल में देखा होगा शुभम, लोग बड़े डिफिकल्ट सर्कमस्टांस से आते हैं और मेहनत करके आगे निकल जाते हैं, ऐसा देखा है आपने अपनी लाइफ में आसपास? हाँ सर देखा है। तो देखा है तो आपकी मर्जी है, जब आपकी बारी आएगी आपको मेहनत करना है या नहीं। आपने अपने माता पिता को भी ऑब्जर्व करा होगा, वो लोग मेहनत करते हैं या नहीं करते, मेहनत करते हैं तो आपने उसका रिजल्ट भी देखा होगा, तो ये तो हमारे ऊपर है शुभम, हमें मेहनत करना है या नहीं करना। ब्रॉडली एंटरप्रेन्योरशिप हमें ये सिखाता है कि हम अपनी फैमिली को, अपने लाइफ को, देश को, समाज को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए काम कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जॉब करना बहुत अच्छी बात है, बिजनेस करना भी अच्छी बात है, अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आप जॉब करने के बाद बिजनेस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट तो आप जॉब के साथ भी शुभम कर सकते हो। तो हमारा आज का प्रोग्राम अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप था कि ये लाइफ में हमें कैसे काम आएगा, कल को जॉब किसी की चली भी गई शुभम, एंटरप्रेन्योरशिप से आप फिर भी पैसा कमा पाओगे, कई बार जॉब मिलने में 6 महीने लग जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से मिलने का ये मतलब था कि आप अपनी मर्जी से दिमाग लगा के डिसीजन लो, स्किल्स पे काम करो, और कम से कम 2 तरीके से आपके बैंक में पैसा आना चाहिए, एक सैलरी, और सैलरी के अलावा एक और सोर्स होना चाहिए आपका इनकम का, ताकि आपको कभी भी पैसों की शॉर्टेज ना फील करनी पड़े लाइफ में। कोई भी सवाल है आपके, आप 12-13 लोग पूछ सकते हो, मुझे आपसे आज यही डिस्कशन करना सवाल है आपसे। मेरा नाम ईश्वर है सर। हाँ जी, मैं अभी आपके बारे में पढ़ रहा था, प्रो विजडम के बारे में, जो आपने अभी स्टार्ट किया है। सो मतलब ये जो स्टार्ट करने में आप बोले थे कि आपने जॉब छोड़ के ये सब स्टार्ट किया, तो ये स्टार्ट करने में आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई? ये जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं इसमें मतलब वो सेम डिफिकल्टीज बताते हैं कि मतलब पहले स्टार्ट नहीं होता था, फिर ऐसे, फिर हमने वैसे किया, तो ये सारी चीजें आपके इसमें भी आई कि आपको कोई की प्लानिंग करके पुल ऑफ कर सकता है ना, ये सारी डिफिकल्टीज को काइंड ऑफ कम कर सकता है, तो वैसे होता है। प्लानिंग करके आप डिफिकल्टीज को एंटिसिपेट कर सकते हो, बट कई बार लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती हैं वो प्लानिंग के भी बियॉन्ड होती है। मुझे लगा था कि मैं 6 महीने में मेरे को उतना पैसा आने लग जाएगा जितना मैं जॉब से कमाता हूँ, बट वो मेरी प्लानिंग गलत थी, ज्यादा टाइम लग गया। और बिजनेस में फिर एक होता है आपकी विल पावर और परसिस्टेंस का भी टेस्ट होता है कि आपने बिजनेस क्यों शुरू करा। जब आप सैलरी कर रहे होते हो तो आप बड़े कंफर्ट जोन में होते हो, आपको पता है 30 तारीख होगी, इतना पैसा बैंक में, इतने लाख रुपए बैंक में आ जाएगा। बिजनेस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हो, बहुत बार आपको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है, और बहुत बार आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है। कस्टमर्स के पास जब मैं टाटा का विजिटिंग कार्ड लेके जाता था, एयरटेल का, रिलायंस का, वर्सेस जब मैं प्रो विजडम का कार्ड लेके जाता था, बहुत फर्क होता है। बट लॉन्ग टर्म विजन होता है कि मैं ये कर लूंगा, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन होता है तो धीरे धीरे रास्ते आपके आसान होते हैं, सपोर्ट मिलता है, और लाइफ आगे बढ़ जाती है। डिफिकल्टीज आती हैं, बट डिफिकल्टीज तो दोस्त जॉब में भी आती हैं। हाँ सर बिल्कुल, थैंक यू सर। ऐसा नहीं है कि जॉब में डिफिकल्टी नहीं है, बिजनेस में डिफिकल्टी है, जॉब में अलग चैलेंज आते हैं, होती है, और कोई भी चीज में नहीं होती, अपने ऊपर होता है ना, लेना नहीं अपने ऊपर होता है। हाँ।
तो कई लोग हैं जो घड़ी को देख के नौकरी करते हैं, 5 बज गए अब घर चलते हैं, तो उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी सही है। कई लोग होते हैं जो घड़ी को नहीं काम को देख के नौकरी करते हैं, डिपेंड करता है। तो डिफिकल्टीज आती है ईश्वर, बट अगर आपका मन क्लियर है कि मुझे डिफिकल्टी सॉल्व करनी है, तो थोड़ी आपकी मेहनत और थोड़ा यू नो गॉड्स ग्रेस और आपके पेरेंट्स की गुड विशेस से काम हो जाता है ईश्वर। ओके, थैंक यू सर, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। थैंक यू ईश्वर। जब भी हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ईश्वर, तो हमें डाउट होता है, बट कोई भी इंसान 10 से स्टार्ट नहीं कर सकता ईश्वर, जीरो से ही स्टार्ट करना होता है। आप जॉब करेंगे तब भी जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिजनेस करना है तब भी जीरो से स्टार्ट करेंगे, बट द गुड पॉइंट इज आगे ही जाएंगे ना। तो कुछ भी करना है आप अपना डिसीजन लो। बहुत लोग ईश्वर वो भी होते हैं जो शुरू में बिजनेस नहीं करते, कुछ साल नौकरी करते हैं, एक्सपीरियंस लेते, थोड़ा कैपिटल बनाते हैं इन्वेस्टमेंट से, और उसके बाद बिजनेस करते हैं। मर्जी है, जरूरी नहीं है बिजनेस करना ईश्वर, बट अगर एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल आपके अंदर है, तो आपके अंदर डर कम आएगा ईश्वर, आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं कर लूंगा, मैं मुश्किल से मुश्किल हालात में सर्वाइव कर लूंगा। दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिंग्स टू अ पर्सन ईश्वर। ओके सर, और सर ये जो सेल्स की क्या बोलते हैं स्किल है, ये होना बहुत जरूरी है क्या? If you want to be a businessman or anything like you have to develop, ये life में भी जरूरी है। हाँ, yeah, that is. अगर आपको life में किसी को influence करना है, so sales is helping people, sales is influencing people, sales is helping people understand why your ideas are good for them. Political leader sales करते हैं, आप अपने मम्मी डैडी से सेल्स करते हो जब आप उनसे गोवा के ट्रिप के लिए कन्विंस करते हो, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आप अपने आप को सेल कर रहे हो एम्प्लॉयर को, जब आप प्रोडक्ट का एड देते हो तो सेल्स कर रहे हो। तो सेल्स तो हम डेली करते हैं ईश्वर, बस हम वो शब्द नहीं बोलते कि ये सेल्स है। सेल्स का मतलब है कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। इसकी स्किल्स होती हैं ईश्वर, सेलिंग स्किल्स अगर आप सीख लो। बहुत बार आईटी में भी ऐसी जॉब मिलती है ईश्वर, जिसको बोलते हैं टेक्नो सेल्स, कि आपकी आपकी जॉब लग गई टेक्नोलॉजी कंपनी में, एचपी में या डेल में, और आपको उनके प्रोडक्ट सेल करने, तो विच मीन्स आप इंजीनियर हो, टेक्नोलॉजी को जानते हो और टेक्नोलॉजी को सेल करना भी जानते हो। तो सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दो ईश्वर, अच्छी स्किल है, लाइफ में काम आएगी। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स? अगर आप लोग लिंक्डइन पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, अगर आप लोग में से कोई भी लिंक्डइन पे है या इंस्टाग्राम पे है, तो @ProWisdomGrowth से आप कनेक्ट हो सकते हो। उससे हम टच में रहेंगे और आपको हमारे बारे में, हमें आपके बारे में पता चलता रहेगा प्रोफेशनली क्या है, तो वो भी आपकी मर्जी है अगर आप इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे हैं। सोशल मीडिया एक बेहतर तरीका है आजकल कनेक्टेड रहने का। एनी लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स? कुछ सवाल, कोई डाउट? हम जो बात करना चाह रहे थे, रोशनी, सुविध, पूर्वा, अंकिता, ईश्वर, ओम, प्रशांत, शिव प्रसाद, सुदर्शन, जयेश, शुभम, क्या आप थोड़ा बहुत पॉइंट समझ पाए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? आप अनम्यूट करके मुझे यस या नो बता सकते हो। यस सर। यस सर। मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करके अच्छा लगा। अगर हमारा प्लान ऐसा बनता कि हम ऑफलाइन मिल रहे होते तो भी अच्छा लगता, बट अभी सिचुएशन धीरे धीरे सुधर रही है तो ऑनलाइन मिलना बेहतर है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थ ईयर ऑफ एजुकेशन। नेटवर्क करो लोगों से, स्किल्स पे काम करो, जॉब करो, बट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते रहो। आपको लाइफ में 40-50 साल काम करना है, एंटरप्रेन्योरशिप कभी ना कभी आपको लाइफ में काम जरूर आएगा। सो इस स्किल को डेवलप करो, नौकरी करो, बट उसके साथ अपनी स्किल्स पे भी काम करो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। यस मैम। हाँ जी मैम। From last few minutes we are discussing do the job at the same time develop your entrepreneurship skill also. I have good example.
most of our students, they may know the Kunal Ranveer sir. He is from our electrical department, and he is looking after the our R&D cell also. Are you aware with the Kunal Ranveer sir, student? Yes, ma'am. I have heard the name. You may also know that he left before few months our institute. So the reason behind that, from last 3 to 4 years, sir, he is working on his innovative idea. As he is a R&D head also, so he developed his idea as a product. So he start his own startup, and that's he is getting the good benefits. Recently, from this 1st October, he is looking after regarding the production of his own product. At the same time, on 1st October, he joined in one MNC getting package 28 lakhs. So okay. That will be the good example for our student also. So doing it at an initial level, they can do the job. At the same time, they can develop their skills also regarding this one. So whenever they are confident that now they can start up their own without a job, at that time they can start their own. Absolutely. Aur aapka college aapko encourage bhi kar raha hai. Yes, our principal sir is support kar raha hai, to try karo. Our principal also not only for the student but at the same time for faculty also, if they are getting good regarding the entrepreneurship. And He has given the freedom for faculties also. If you are getting the good opportunities rather than this institute, they can leave and they can grab that opportunities. Because entrepreneurship ka ye fayda hai, aap apni family ke liye nahi, aap bahut sare logo ki families ke liye wealth generate karte ho. बहुत सारे लोगों को आप जॉब या एम्प्लॉयमेंट देते हो, बहुत सारे वेंडर्स पार्टनर्स सप्लायर्स भी पैसा कमाते हैं. तो अगर एक इंसान एंटरप्रेन्योर बनता है तो फायदा एक को नहीं होता, कम से कम 10 लोगों को फायदा होता है एक के एंटरप्रेन्योर बनने से. जब हम एम्प्लॉय बनते हैं तो सिर्फ हमारी फैमिली को फायदा होता है, हमारी सैलरी से टैक्स आता है सिर्फ, बट बाकी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता. बट अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो थोड़ा सोसाइटी को ज्यादा फायदा होता है. बट मर्जी है ये, कोई ये अपनी मर्जी है आपको करना है कब करना है, बट अपनी स्किल्स पे काम करते रहो आप सब लोग. थैंक यू मैम फॉर द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू वेरी मच सर. वंस अगेन थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स. थैंक यू मैम. हैप्पी टू स्टे कनेक्टेड. थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स. बाय बाय. स्टूडेंट कैन आल्सो लीव द सेशन. नो प्रॉब्लम ना. थैंक यू वंस अगेन सर. थैंक यू मैम. Thank you, sir.